सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेलो ऐप को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेलो ऐप। दोस्तों, आपने स्टार्टअप कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। स्टार्टअप कंपनी होती है, जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई होती है उससे हमें स्टार्टअप कंपनी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि उन्हें स्टार्टअप कंपनी में जॉब करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको स्टार्टअप कंपनी में जॉब क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं हेलो ऐप। तो दोस्तों, स्टार्टअप कंपनी में काम करने के बहुत सारे बेनिफिट भी है और बहुत सारे नुकसान भी है। तो बेनिफिट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप मानो कि आप वेब डिज़ाइनर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, मतलब अपने अपने नॉलेज को ग्रो करना चाहते हो, मतलब ऊपर ले जाना चाहते हो, अपने नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको स्टार्टअप कंपनी फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में हर एक चीज़ के, जैसे कोई वेब डिज़ाइनर है तो एक वेब डिज़ाइनर होगा, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, कोई इंजीनियर है तो एक ही इंजीनियर होगा उसमें। तो स्टार्टअप कंपनी में यही होता है, छोटी सी कंपनी होती है, 3-4 बंदे की कंपनी होती है, 3-4 बंदे मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं। तो स्टार्टअप कंपनी में काम करने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप सीखोगे उसको, उसके बारे में रिसर्च करोगे, तो वहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप सैलरी के लिए जॉब करना चाहते हो, कि आपको अच्छी सैलरी मिले, अच्छे इंसेंटिव मिले, उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, तो स्टार्टअप कंपनी आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो स्टार्टअप कंपनी में आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में एक लेवल, एक लिमिट है आगे बढ़ने की, उस हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर बड़ी कंपनी में आप जाते हो, देन आप हद से आगे जा सकते हो, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी तो आपको विदेश में भी भेज देती है, अगर आप जाना चाहते हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप कर सको, वो काम कर सकते हो जिस काम के लिए आपको कंपनी हायर कर रही है, तो वो आपको विदेश भी भेज देगी। लेकिन स्टार्टअप कंपनी आपको कभी भी बाहर नहीं भेज सकती, क्योंकि उनको 3-4 बंदे की कंपनी होती है, वो क्या बाहर भेजेंगे आपको। देन अगर आप प्रेशर लेने के लिए तैयार हो, अगर आपके पास प्रेशर, अगर कंपनी छोटी सी कंपनी है या स्टार्टअप हो, अगर आपको वो पैसे दे रही है, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में प्रेशर बहुत होती है, बहुत प्रेशर होती है। बड़ी कंपनी में उतनी प्रेशर नहीं होती है, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में बहुत प्रेशर होती है, क्योंकि हर काम के एक बंदे होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर होगी। देन अगर आप प्रेशर लेने के लिए तैयार हो, उतने प्रेशर आप झेल सकते हो, आप अगर आपको संडे की छुट्टी है, कभी कभी आपको संडे को भी जाकर काम करना होगा, अगर आप ये कर सकते हो, देन आपको अगर स्टार्टअप कंपनी में जॉब मिल रही है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत प्रेशर तो हर कंपनी में होती है, तो अगर बड़ी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेशर होती है आप पे, देन आपको शनिवार संडे तो गारंटी छुट्टी होती है, देन ये डिफरेंस होता है। अगर आप, लेकिन कुछ स्टार्टअप में जल्दी शनिवार को छुट्टी नहीं मिलती है, वो सिर्फ संडे को छुट्टी देते हैं। देन ये सारी कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं तो कुछ पॉजिटिव थिंग भी है स्टार्टअप में, कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये बात है। अगर आप अपनी नॉलेज को ग्रो करवाना चाहते हो तो आप स्टार्टअप में जाओ। अगर आपके पास नॉलेज है, आप चाहते हो अच्छी सैलरी मिले, देन आप बड़ी कंपनी में जाओ, कोई अच्छी लेवल की कंपनी हो उसमें जाओ, स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। देन यही है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप कंपनी एंड बिग कंपनी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच।